हेलो हिपहॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते सीधे मौत से। तो सीधे मौत की जो लंच ब्रेक मिक्स टेप आने वाली है उसमें उनका कृष्णा के साथ भी ट्रैक होने वाला है। तो सीधे मौत की तरफ से एक वीडियो देखने को मिला था जिसमें वो इसकी हिंट देते हैं। इसके अलावा ओंकोर की तरफ से एक ट्वीट भी देखने को मिला था, माइट रिलीज 10 एल्बम्स विद नो फीचर्स, माइट रिलीज 1 एल्बम विद 10 फीचर्स, आई लव मेकिंग म्यूजिक एंड रिलीजिंग इट हाउएवर एंड व्हेनेवर वी वांट, दैट्स द फाउंडेशन। साथ ही सीधे मौत और रावल का भी कोलैब होने वाला है इसमें। तो रावल लिखता है, फाइनली SMX रावल आ रहा है, जी तो फटेंगी गारंटीड। क्या नेक्स्ट अपडेट नसीब की साइड से। तो नसीब और डॉक्टर ज्यूस की एक एल्बम आने वाली है जिसका नाम है ग्रीट टू ग्लोरी। तो बात कर लेते हैं एग्जी के बारे में। तो एग्जी जो है वो एक पिक्चर डालती है दिलराज नंदा के साथ में। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो है वो देसी मेलेडीज जो कि एक रिकॉर्ड लेबल है उसके म्यूजिक हेड है। तो हो सकता है कोई से प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क चल रहा हो। तो बात कर लेते हैं मुक्ता के बारे में। तो मुक्ता के एक स्टोरी डालती हैं, ओहो अब खुद की कॉपी होते हुए बुरा लग रहा है, जब तुमने दूसरे का पूरा आइडिया उठा के एल्बम बनाई तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर नेक्स्ट अपडेट जो है वो सिद्धार्थ की साइड से है जो कि मुफाड़ के मैनेजर है। तो आप लोग को याद होगा कि रागा और मुफाड़ का एक वीडियो देखने को मिला था जो कि सिद्धार्थ ने पोस्ट करा था। तो इसके नीचे एक मीम पेज कमेंट करता है, गाना आ रहा है, तैयार है, सुनेंगे, बट दिल्ली का बाप एक ही है एमीवे, सारे रैपर्स झूल रहे हैं एमीवे के नीचे। तो सिद्धार्थ इसका रिप्लाई करता है, डजंट इवन मैटर टू द पीपल हु लिसन टू मुफाड़ और रागा और एनी अदर आर्टिस्ट, दीज थिंग्स आर क्रिएटेड टू मैनिपुलेट योर एज ग्रुप, वंस यू विल रियलाइज दिस देन यू वुड गेट टू नो दैट हाउ लेम यू साउंड ऑन दिस कॉमेंट सेक्शन। मैं लेम साउंड कर ही नहीं रहा अगर तुम्हारे POV से ना देखे तो, क्योंकि एमीवे डिवाइन MC स्टैन ने इंडियन हिप हॉप को लीड कर रखा है। तो सिद्धार्थ लिखता है, क्या हो गया फिर, उनके लीड करने या ना करने से बाकी आर्टिस्ट सॉन्ग्स बनाना बंद कर देंगे क्या, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू बडी यू नीड टू ग्रो अप, किसी के कुछ भी लीड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब बच्चों वाली बातें होती है और उनको मैनिपुलेट करने के लिए ही बोली जाती है बस। खैर नेक्स्ट अपडेट कलम इंक की साइड से। तो कलम इंक अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे लिखता है, इंडिया एक्स पाकिस्तान सून। तो बात कर लेते हैं MC स्टैन के बारे में। तो MC स्टैन एक स्टोरी डालता है, स्लाइम फॉर लाइफ व्हेन ज़ैनी हिट्स यू। तो बात कर लेते हैं एमीवे के बारे में। तो एमीवे का कंपनी ट्रैक अभी 150 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो एमीवे इसको शेयर भी करते हैं अपनी स्टोरी में। तो बात कर लेते हैं शुभ के बारे में। तो शुभ का चेक्स ट्रैक जो है वो टॉप सॉन्ग्स इंडिया के लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।